ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा कि एक मंत्र आपकी किस्मत बदल देगा। आखिरकार आप बहुत दिनों से मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बताओ जो हमारी किस्मत और हमारे नौ के नौ ग्रहों को बलवान कर दे। तो आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे वह मंत्र, वह अद्भुत दिव्य चमत्कारिक मंत्र, जिस मंत्र को जाप करने से, जिस मंत्र के स्मरण करने से, इस मंत्र के प्रयोग से आप अपनी किस्मत चंद दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ दिनों में बदल देंगे। दोस्तों, मैं वो मंत्र आपको बताऊं और वो मंत्र को आपको कैसे प्रयोग करना है ये भी आप समझें, और इस मंत्र का प्रयोग कब करना है ये भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। पर शर्त यह है कि वीडियो को आगे बढ़ाऊं। आपको कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखना होगा। हर हर महादेव लिखें, जय शिव शंभू लिखें, लेकिन भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, कोई परेशानी में आप हैं, कोई तकलीफ में हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है दोस्तों। जब भी कभी आपकी जो मनोकामना है, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि जीवन बहुत अस्त व्यस्त और व्यतीत चल रहा है, तो मैं आपको तीन मंत्र बताऊंगा, तीन तरीके बताऊंगा मंत्रों के, और इन मंत्रों को आपको प्रयोग करना है। सबसे पहला मंत्र है हनुमान चालीसा का कोई एक दोहा ले लें, कोई भी एक दोहा ले लें, और उस दोहे को मन में सतत जाप करें, वो बहुत चमत्कारिक परिणाम उसके मिलेंगे। दूसरा है, आपके पास आपके गुरु मंत्र का होना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो दोस्तों आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, कंटिन्यू जाप करें, मन में सतत उसका जाप करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरु मंत्र नहीं ले पा रहा है या गुरु मंत्र नहीं जप कर पा रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है और उपचार है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को सतत रोज कंटिन्यू आप जाप करें, उसमें चमत्कारिक परिणाम है दोस्तों, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन मंत्रों का प्रयोग करें।